सच ये मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैं ये सोचता हूँ अब तो झूठ है और सच है क्या। Who are you? Who are you? मेरा दिल ये पूछे मुझसे साला Who are you? Who are you? Who are you? मेरा दिल ये पूछे मुझसे साला Who are you? जाने कौन मैं आया कहां से हूँ जाना कहां कहां है न जानू मेरे तो सपने हैं दुनिया में अपने हैं लेकिन कहां कैसे है न जानू है कोलंबस ने किया जो वो मैं करूं दुनिया ये दुनिया ढूंढता फिरूं मैं कभी तो मिलेगी वो मुझको है यकीन चला चलता रहा मंजिल मुझे Sala, who are you? जाने मुझको न कोई मैं ये जान के रहूंगा कि कौन हूं मैं पूरे होंगे सपने जो देखे हैं मैंने मैं ये जान के रहूंगा कि कौन हूं मैं Who are you? Who are you? Who are you? Mera dil ye puche.
advantage of the short boundary we have highlighted towards the new stand. उन्हें मार दिया। मर्डर। मेरे माँ बाप को मारने वाले उन तीनों को मैंने मार दिया। तीन मर्डर्स किए। अरे सुन, प्रमोशन मिल गया। आओ पर सर मेरी बात। अरे सुनो, एफआईआर रेडी करो। राजू और रवि तुम दोनों जाकर बॉडी रिकवर करो, और तुम आधे घंटे में यहाँ सारी मीडिया होनी चाहिए। चैनल पर हम ही छा जाएंगे, तुम्हारी मैडम की आंखें फटी रह जाएगी। हु आर यू? चचचे हु आर यू? तो रॉकस्टार है सर, सच में मर्डर किया होगा। क्यों? वो देख, फायरिंग किए हुए बुलेट की तरह अभी भी गर्म है। सर मिकाय मुर्तु, पहले बॉडी मिल जाए उसके बाद मीडिया को फोन करते हैं ना। अरे पागल, बॉडी आने के बाद मैं टीवी पर नहीं आ पाऊंगा, वो एसपी आ जाएगा। मैं सिर्फ चाय पिता दिखूंगा टीवी पर। जाओ फोन करो, ही माजे ऑर्डर है। ओके। सब लोगों की नजर में रॉकस्टार गौतम एक अच्छा इंसान है, सेलिब्रिटी है, लेकिन असलियत में वो एक मर्डरर है, किलर। कोई सोच भी नहीं सकता था कि रॉकस्टार गौतम एक दिन एक किलर बन जाएंगे। इस हत्या की न्यूज सुनकर लोगों में सनसनी फैल चुकी है। रॉकस्टार गौतम जेल की सलाखों के पीछे है। मर्डर करके फरार हो रहा था तब पकड़ा मैंने। गौतम ने ये मर्डर आखिर क्यों किया होगा? क्या अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए? इस टैलेंटेड इंस्पेक्टर किशोर पाटिल ने चेस करके पकड़ा है उसे। इस हत्या के पीछे खुलासा हुआ दो और मर्डर्स का। पुलिस से खबर मिली है कि बाकी के दो खून, एक पुणे में और दूसरा आईएलएम। अब देखते हैं इस खबर से गौतम के फैंस पर क्या असर पड़ता है। किशोर पाटिल कभी नाकाम नहीं हुआ है। वेंकट सर, सारे न्यूज चैनल्स रॉकस्टार गौतम की न्यूज दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं? समीरा ने गौतम की न्यूज होल्ड पे रखी है। वेयर इज समीरा? न्यूज रूम में सर। समीरा। यस सर। रॉकस्टार की न्यूज होल्ड पर क्यों है? गेटिंग रेडी सर। व्हाट्स द मैटर, टेल मी आई से। मैंने कुछ एक्सक्लूसिव विजुअल्स शूट किए हैं सर, प्लीज गिव मी सम टाइम। विजुअल बैंक को एक्सपोर्ट पर रख दो। ओके मैम। ब्रेकिंग प्लेट्स रेडी हैं? रेडी मैम। ओके, एंकर पार्ट पढ़ने के बाद विजुअल्स डायरेक्ट प्ले होने चाहिए। ओके, 3 2 1 गो। वेलकम टू आई न्यूज। फेमस रॉक स्टार गौतम ने किए हुए मर्डर की न्यूज को सारे न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं। आखिर वहाँ हुआ क्या था? वो खून कैसे हुआ? उस हत्या को आई न्यूज ने अपने कैमरा में कैद किया है। अब आपके सामने है वो विजुअल्स एक्सक्लूसिवली फॉर यू। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं है। वो गिरे जैसे किसी ने उन्हें मारा हो, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं मारा। वहाँ पर सिर्फ वो अकेले हैं, हवा में वार कर रहे हैं, हवा में गिर रहे हैं। उन्होंने किसी का मर्डर किया ये सोचकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें उस गुनाह
गुनाह के लिए गिरफ्तार किया है जो गुनाह उन्होंने कभी किया ही नहीं है। इस तरह गौतम बिना खून किए ही खूनी बन गए। ये थी गौतम की मर्डर मिस्ट्री। यही हुआ था, इसके पीछे क्या कारण है? डेड बॉडी ना है सर। रॉकस्टार इस तरह बर्ताव क्यों कर रहे हैं, ये हम जान कर रहेंगे। दिस इज समीरा साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग आई न्यूज। कौन हो बेटा तुम? हाँ, क्या हुआ तुम्हें? यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो मॉम, क्या हुआ उन्हें? डैड, मॉम, डैड, मर्डर हो गया। कहाँ? वहाँ। यहाँ, यहाँ मॉम को गोली मारा। यहाँ डैड की लाश थी। यहाँ पे कोई मर्डर हुआ है क्या? मर्डर? ऐसा तो कुछ नहीं साहब, आपको किसने बोला? ये बच्चा बता रहा है कि इसके मॉम डैड का यहाँ पे मर्डर हुआ है। इस बच्चे ने? ये थोड़ा पागल है साहब, ऊट पटांग बातें करता रहता है, बेसिर पैर की। कहता है वहाँ माँ मरी पड़ी थी, वहाँ बाप की लाश पड़ी थी, किसी ने गोली मार दी। इसका स्क्रू थोड़ा ढीला है साहब, इसकी बातों पर मत जाइए। इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं। दिस इज अ नॉर्मल ब्रेन एंड दिस इज गौतम्स ब्रेन। नॉर्मल ब्रेन के कंपैरिजन में गौतम के ब्रेन में ग्रे मैटर 25% कम है। दिस कॉजेज वेरी सीवियर न्यूरोसाइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज, मतलब उसकी याद करने की शक्ति को कम कर देता है। इस तरह के शख्स जो चीज इनके पास नहीं होती है उसके होने की कल्पना कर लेते हैं। गौतम बचपन से अपने मॉम डैड के बगैर रहता आया है, इसलिए उनके होने की कल्पना करता है, जबकि ये सिर्फ उसका वहम है और कुछ नहीं। उसने ये भी कल्पना कर ली कि उसके मॉम डैड को किन्हीं तीन लोगों ने मार डाला है और अब वो उसे भी मारना चाहते हैं। इस कल्पना की वजह से गौतम बदला लेने के लिए उनको मारने की कल्पना करता है। कुल मिलाकर उसने एक रिवेंज स्टोरी क्रिएट कर ली है। अब वो सच और वहम के बीच फैसला नहीं कर पा रहा है, इसलिए बहुत डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन आप परेशान मत होइए, आई विल ट्रीट हिम, डोंट वरी। हेलो मिस्टर गौतम, हाउ आर यू फीलिंग? Nervous, anxious, self-conscious, afraid? Oh, angry. Okay, Gautam, अब मैं तुमसे तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा, okay? तुम्हारे मॉम डैड कैसे दिखते थे ये जानते हो? Gautam, तुम्हारी मॉम कैसी दिखती थी? याद नहीं। और तुम्हारे डैड के बारे में कुछ बताओ? मॉम डैड कैसे दिखते थे ये नहीं पता है, लेकिन उनके मर्डरर्स को जानते हो? तुम्हें अपने मॉम डैड के नाम पता है? नहीं पता। तो मर्डरर्स के नाम मालूम है? वो भी नहीं पता। तुम्हें मर्डरर्स के नाम नहीं पता है, लेकिन फिर भी उन्हें मार डाला? गुड। सो अनजान शक्ल के लोगों को कुछ जाने पहचाने शक्ल के लोगों ने मार डाला। Fantastic. उन तीनों को मैंने मारा, ये बात शायद झूठ हो, लेकिन उन्होंने मेरे माँ बाप को मारा, ये बात सच है। हर पेशेंट ऐसा ही बोलता है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि वो उसका वहम है। ऐसे केसेस में सालों से देख रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो और ये साबित करने के लिए मेरे पास ये मेडिकल रिपोर्ट्स है। तुम्हारे पास क्या? Do you have any proof? मैंने तुम्हें मारा? Of course, damn it. कैसे पता चला? दर्द हुआ। It pains, man.
उस दर्द से जैसे तुम्हें पता चला कि यह सच था, वैसे ही इस दर्द से मुझे पता चला कि यह सच है। क्यों? मैं तुम्हारी कल्पना क्यों नहीं करता? इनकी क्यों नहीं करता? इनकी क्यों नहीं करता? उन तीनों की ही कल्पना क्यों करता हूं? क्योंकि उन्होंने उन तीनों ने मेरे मां बाप का कत्ल किया था। डॉक्टर, गौतम जिन लोगों की कल्पना करता है वो लोग असल में हो सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल। और अगर हुए तो? इम्पॉसिबल। हेलो साइंटिस्ट, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट से जो भी सच बाहर आने वाला है उससे मेरी कंपनी डूब सकती है, ये तो तुम जानते हो। मुझसे दुश्मनी करोगे तो तुम्हारी जान जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं। पॉलिटिक्स में एंटर कर रहा हूं तो ये मत सोचना कि मैंने मर्डर करना छोड़ दिया है। सच को कोई नहीं मार सकता। तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट से एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तुम कैंसर की बीमारी फैला रहे हो जिससे मासूम लोग मर रहे हैं। उनके लिए कोई और चॉइस नहीं है इसलिए मर रहे हैं। तुम्हें सच पता है इसलिए तुम्हें दो चॉइस दे रहा हूं, पैसा प्यारा है या जान। कितने लोगों को मारोगे? एक को, दो को, तीन को या सभी को मार डालोगे? मेरे बुलाते ही तुम चले आए तो सोचा कि तुम्हें पैसा ही चाहिए होगा, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता तुम्हें जान प्यारी नहीं है। मैं तुमसे यहां मिलने आया हूं, ये जानकारी मेरी एक फ्रेंड को है। मुझे मारोगे तो सारी दुनिया के सामने तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। लोग कहते हैं कि जब मैं किसी का मर्डर करता हूं तो कोई प्रूफ नहीं छोड़ता, पता है क्यों? जब जब भी मैं मर्डर करता हूं ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। रॉकस्टार का केस है, कोई गड़बड़ हुई तो सस्पेंशन कंफर्म। अपने इस बार प्रमोशन है। हेलो रॉकस्टार, इस बार किसे मारा आपने? ओ सॉरी, किसे मारने की कल्पना कर रहे थे? मुझे किसी ने मारने की कोशिश की है। ओ, फिर एक वहम, अटैक ही लग रहा है। एटमॉस्फेयर भी रियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन किसने अटैक किया होगा? वही सर, हाँ। साहब ने जिस आदमी को मार डाला था ना, हाँ। उसके लोग आकर अटैक करके गए होंगे, लेकिन इनकी मार से डर के भाग गए। उन सालों को तो हम पकड़ ही लेंगे, लेकिन वो लोग दिखते कैसे वो तो पता चले। अरे सर, ये साहब अब क्या ढूंढ रहे हैं? हेलो, क्या ढूंढ रहे हो तुम? कैमरा। कैमरा? मैंने उनकी फोटो खींची है। ओह, इस बार कैमरे की भी कल्पना की है सर। हेलो, तुम चाहे कितना भी ढूंढ लो नहीं मिलेगा,
तुम बॉटल से मारते हो, बॉडी नहीं मिलती। फोटो खींचते हो, कैमरा नहीं मिलता। तुम कल्पना करोगे और मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। पिछली बार भरोसा किया तो बेवकूफ कहलाया, इस बार भरोसा करूंगा तो जोकर कहलाएंगे। जोकर को तू जोकर, क्योंकि ये तोड़फोड़ कैसे हुई है ये किशोर पाटिल जानता है। कैसे सर? कैसे मैं बताता हूँ, ऐसे हुई है। ये देखो, ये देखो सर, ये ऐसे हुई है। समझा? समझा कैसे? समझा? रॉकस्टार गौतम के घर इंस्पेक्टर किशोर पाटिल ने तोड़फोड़ की। किशोर पाटिल ने तोड़फोड़ की बोल रही है। का बदला लेने के लिए किशोर पाटिल ने गौतम के घर तोड़फोड़ की। नहीं नहीं नहीं, 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 ये तोड़फोड़ मैंने नहीं की है, ये सब गौतम का वहम है। चाहो तो उसी से पूछ लो। गौतम गौतम बोलो बोलो। बताइए सर, ये बात सच है? मिस्टर गौतम, क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि आप पर अटैक हुआ है? साबित झूठ को किया जाता है, सच को सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, और कुछ सच्चाइयां कैमरा कैद नहीं कर पाता। गौतम, स्टॉप, स्टॉप! गौतम, कार रोको! गौतम, गौतम! सच या झूठ, ये सब झूठ भी हो सकता है, लेकिन मेरे इतिहास को झूठ साबित करने वाला कोई सच मुझे नहीं चाहिए। इतने दिन जिसके लिए जिंदा रहा वो सब झूठ साबित हो रहा है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए सबके कहे झूठ से दूर मेरे कहे सच के पास जा रहा। What's your destination? कौन सी फ्लाइट शेड्यूल है? मुंबई 12:15, गोवा 12:20 एंड दिल्ली 12:50। गौतम बेटा कहाँ भाग रहे हो? मुंबई, दिल्ली, गोवा, मुंबई, दिल्ली, गोवा, मुंबई, दिल्ली, गोवा। पकड़ लिया! बहुत शरारती हो गए तुम। कहाँ भाग रहे थे? मेरा प्यारा बेटा। गोवा। AG1 ग्रेन्स की वजह से मिट्टी बंजर हो रही है, जानवर मर रहे हैं, लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। इंट्रो पार्ट में BGM मत दो, व्यूअर्स को डायरेक्टली बात समझ में आनी चाहिए। आगे प्ले करो। खाद में मिलावट होने की वजह से साइड इफेक्ट्स पर ये स्पेशल रिपोर्ट। नेक्स्ट P2C प्ले करना। पूरे शरीर से आंख नाक से खून बहना, जिससे सारे जानवर मर रहे, कोई ध्यान ही नहीं देता, भगवान ही हमें बचा सकता। इन AG1 ग्रेन्स में हाइड्रोजन साइनाइड मिलाई गई है। कुछ NGOs के पास हाइड्रोजन साइनाइड है। दिस इज द रिपोर्ट। गवर्नमेंट को इसके बारे में इट्स अ पॉइजन के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे सच है, सब बाहर आ जाएंगे। यस शीतल, आई हैव अ ग्रेट न्यूज फॉर यू। गोवा? Are you sure? Thank you. Okay, bye. Huh? Guess what? Gautam कहाँ है पता चल गया। Goa. समंदर, sunset और rockstar. I'm coming. पकड़ने के लिए स्पीड बोट में जेम्स बॉन्ड की हीरोइन की तरह आना ही पड़ा। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? आपका बैड लक है सर। मीडिया जहाँ जाओगे पता लगा लेगी। क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ 10 मिनट, स्मॉल इंटरव्यू। प्राइवेसी का मतलब नहीं समझते क्या? यहाँ भी डिस्टर्ब करने चले आए। प्राइवेसी के बारे में सोचकर अगर आपका फुटेज टीवी पर नहीं दिखाया होता ना, तो आप यहाँ यॉट पे नहीं जेल में रिलैक्स कर रहे होते मिस्टर। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। फाइन।
इमरजेंसी का मतलब मालूम है इसलिए जा रही हूँ। आपको ग्रेटिट्यूड का मतलब मालूम हो तो आकर इंटरव्यू दे देना 5:30 इवनिंग बीटल शैक में, मैं वेट करूंगी। आप मुझे जानते नहीं हो, अगर निगलेक्ट करोगे ना तो समंदर में कूद जाऊंगी। हाय सर, फिर से आ गई। कितनी बार बोलना पड़ेगा? एक बार बोला समझ में नहीं आया? फिर से कहाँ आई सर? मैं तो अभी आई हूँ। मैं समीरा हूँ, आई न्यूज। आपकी फुटेज मैंने टीवी पर डाली थी, आप पर कवर अप न्यूज बनाई थी, याद आया? सर, तुम अभी तो आई थी ना इंटरव्यू के लिए? मतलब मेरे आने की आपने पहले ही कल्पना कर ली थी? वाओ, एक्चुअली जनरली फैंस आपके बारे में सोचते हैं, आप जैसे सुपरस्टार अगर मेरे बारे में सोचते हैं तो अर्जेंटली मुझे ये बात अपने फ्रेंड्स को फेसबुक पर बतानी होगी। अरे यार, नेटवर्क ही नहीं है। कोई बात नहीं, वाईफाई तो होगा ना। पासवर्ड क्या है? वाओ, पता नहीं था सुपरस्टार्स इस तरह रहते हैं। कितना अच्छा है ये। क्या चाहिए? असम, इंटरव्यू तो नहीं चाहिए, वो देने का आपका भी इरादा नहीं है। अच्छा बताइए ना, और क्या क्या इमेजिन किया मेरे बारे में? मेरे क्या सवाल पूछे थे और आपने क्या जवाब दिए थे? मैंने रूडली बिहेव तो नहीं किया था ना? इवनिंग 5:30 बीटल्स नहीं पहुंचता तो तुम समंदर में कूदने वाली थी। ऐसा कहा मैंने? अच्छा वो तो मेरा कैरेक्टर है और मैं भी ऐसी ही हूँ। ओके, एक काम करते हैं, आपका सपना सच कर देते हैं। इवनिंग 5:30 बीटल शैक आ जाओ, बट नॉट फॉर इंटरव्यू, आपके लिए एक स्मॉल ट्रीट। आपके लिए गोवा आई थी ये सोचकर मैं ऐसे लाइफ लॉन्ग याद रखूंगी। प्लीज 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 सर, आपके साथ एक कॉफी, आपका सपना सच कर देते हैं। प्लीज सर, वन कॉफी सर। मिस्टर रॉकस्टार, एक बात याद रखना, एक स्टार एसी के बिना रह सकता है लेकिन फैन के बिना नहीं रह सकता। 5:30 बीटल, नहीं आओगे तो समंदर में कूद जाऊंगी। इटालियन, रशियन, जर्मन, इटालियन, हेराइन, कोकेन, आशीष, बादशाह, सिंथेटिक, ज़ॉम्बी, मेक्सिकन, नाइजीरियन, हंगेरियन, ओ इंडियन। क्या साहब, गोवा आते भी इंडियन चाहिए। हाय सर, आप सच में आ गए? आई कांट बिलीव दिस, मैंने सोचा ही नहीं था कि आप आएंगे। आई हैव बीन ईगरली वेटिंग फॉर दिस। आई वोंट टेक मच टाइम, जस्ट अ फ्यू मिनट्स। मैं कॉफी पीऊं। गुड आइडिया, कॉफी पीते पीते इंटरव्यू करते हैं। कैसा इंटरव्यू? ट्रीट के लिए बुलाया था ना? हाँ, जनरली लोग कहते हैं कि मेरा इंटरव्यू उनके लिए ट्रीट होता है। मजाक चल रहा है, मैं इंटरव्यू देने नहीं आता, इसलिए ट्रीट का बहाना बनाया। कैसा ट्रीट? 5:30 बीटल्स, हमारे बीच बात तो इंटरव्यू की हुई थी ना? तुमने कॉफी का बोला था तो कॉफी पियेंगे। हाँ? अगर इंटरव्यू चाहिए था तो इंटरव्यू बोलती, मुझे ऐसे झूठ पसंद नहीं है। शीप मीडिया ट्रिक्स। देखिए मिस्टर गौतम, मैं मानती हूँ इंडिया की सारी लड़कियां आपके साथ कॉफी पीना चाहती हैं, बट वी आर जर्नलिस्ट, वी कम फॉर इंटरव्यूज, नॉट कॉफी। सो थैंक यू। आप पहले ही आ गए? आई डोंट बिलीव दिस। हेलो, आप एक रॉक स्टार हैं, कोई रोड साइड रोमियो नहीं। आप जितना लेट आएंगे उतना ही क्रेज बढ़ेगा। आई एम सो एक्साइटेड। व्हाट हैपेंड? ऐसे घूर क्यों रहे हो? फिर से वही इंटरव्यू वाली आई थी क्या? फिर से इरिटेट किया उसने आपको? मेरा नाम बदनाम कर रही है। शे, है कहाँ वो? आई स्वेयर मार डालूंगी मैं उसे। सर, मैं कॉफी पीऊंगा। ओ या, कॉफी के लिए तो आए हैं, आपका सपना सच हो जाएगा। आई फील लाइक एन एंजल। कॉफी, कॉफी। एक्चुअली कॉफी मिलना तो बहुत मुश्किल लग रहा है, पर फर्स्ट मीटिंग में बियर भी अच्छी नहीं लगेगी ना, इसलिए कॉफी कहा था मैंने। सॉरी, आई शुड ट्राई फॉर इट। आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका टच मुझे अच्छा लगा। What? अब भी भरोसा नहीं हो रहा? Wait. How do I look? देखा ना, मुझे देखकर उनकी जबान भी नहीं खुल रही है। I feel like an angel. Two coffees, please.
सर 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 रशियन जर्मन इटालियन हेराइन कोकेन आशीष बादशाह सिंथेटिक ज़ोंबी मेक्सिकन नाइजीरियन हंगेरियन सर सर क्या चाहिए सर अरे सर बताइए सर क्या चाहिए सर समीरा अचानक अगर तुम किसी से पूछो कि हाउ डू आई लुक तो मैं क्या कोई भी लड़का नहीं बता पाएगा। हॉट लड़की को देखकर तुम लड़कों की बोलती बंद हो जाती है, इसीलिए तो पूछा था। फॉरवर्ड बैक बैक बैक। ए कैसी लगी मेरी डबल एक्टिंग, ऑस्कर विनिंग ना? जर्नलिज्म में तुम बेकार में आ गई, तुम्हें तो फिल्म में होना चाहिए था, फिर ऑस्कर श्योर था। ऑस्कर भी कम है भाई, रॉकस्टार पता नहीं कैसे चुप रह गया, मैं होता तो गिर गया होता। तुम क्या देख रहे हो? एंजल ड्रेस कैसे चेंज करती है ये देख रहा हूँ। क्या कहा, ड्रेस चेंज? ये सब क्यों रिकॉर्ड किया? नेट पर डालूंगा तो बहुत सारे व्यूज मिलेंगे। मारो क्यों? इसके भी व्यूज बहुत आएंगे। कल गौतम का क्या प्रोग्राम है? कार्निवल देखने के लिए टाइम है लेकिन इंटरव्यू देने के लिए नहीं है। अरे मैं हूँ तुम्हारी एंजल, सच मान गए थे ना, तुम्हें लगा मैं वो इंटरव्यू गर्ल हूँ ना? मेरी परफॉर्मेंस ही कुछ ऐसी है। मैं जाकर कॉफी लेकर आती हूँ, तब तक आप कार्निवल एंजॉय कीजिए, ठीक है? मैं अभी आई। सर सर एक बात तो मैं भूल ही गई थी, मैं गोवा आपके साथ सिर्फ कॉफी पीने तो नहीं आई ना, तो फिर किस लिए आई हूँ? आओ तुझे मौका करता। मतलब कोंकणी भाषा में इसे आई लव यू कहते हैं। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। अगर अभी आप मुझे पकड़ लोगे तो इसका मतलब नो होगा, अगर नहीं पकड़ोगे तो यस, अगर नहीं पकड़ोगे तो ये एंजल जिंदगी भर आपको नहीं छोड़ेगी। सॉरी, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, एटलीस्ट आपकी वन डे गर्लफ्रेंड बनने का तो चांस दे दीजिए। जिंदगी भर इन मेमोरीज को याद रखूंगी। तुम सच नहीं हो, तुम झूठो। नो नो नो, मैं सच हूँ। यू वांट मी टू प्रूव इट? तुमसे बात करूंगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे, मुझे जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरा वहम हो। गो गो। कैसे जानते हो कि मैं सच नहीं हूं? तुम सच होती तो कॉफी नहीं लाती, गुस्से से बात करती। What? तुम सारे आदमी एक जैसे हो, प्यार दिखाओ तो झूठ समझते हो, गुस्सा करो तो सच समझते हो। इतना गुस्सा काफी है? अब तो मैं सच साबित हो गई ना, या फिर चाहते हो कि मैं किसी का मर्डर कर दूं? ओके फाइन, जस्ट 2 मिनट्स, 120 सेकंड्स का समय दे रही हूं। अगर वन डे गर्लफ्रेंड की तरह मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं समंदर में कूद जाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 एक्सक्यूज मी,
वहाँ वो लड़की दिख रही है? व्हाइट ड्रेस? हाँ हाँ दिख रही है। एक मिनट। यस। पीछे टेबल पे अंकल आंटी बैठे हैं। काफी स्वादिष्ट। हाँ बिस्किट का मजा ले रहे हैं। खा रहे हैं ना? हाँ खा रहे हैं। कूदोगी तो मर जाओगी। मैं तो झूठ हूँ ना सर, फिर कैसे मर जाऊंगी? नहीं तुम सच हो, मैं जान चुका हूँ। सच में? कैसे जान गए? वहाँ पर वो जो अंकल बैठे हैं उन्होंने मुझे बताया। कहाँ पर? वहाँ तो कोई नहीं है। सच में है, यही मेरे आसपास। कौन? ओ हाँ, आपने जिसका मर्डर किया था वो ना, वो क्या अब आपके साथ गोवा भी आ गया? वो इसी कैन से ड्रिंक पी रहा था। देखो देखो ये कैन ही उसका सबूत है। ओ, तो अब ये भी सच होगा, ये गोवा है सर। इस तरह के कैंस तो बहुत कॉमन है। कैन कॉमन हो सकते हैं लेकिन वो नहीं हो सकता। सर, चेहरा मंगोलियन है, उसके बालों में पोनी टेल है, बचपन से मुझे उसकी पोनी टेल नजर आती है। हेयर स्टाइल से वो मंगोलियन नहीं लगता, रशियन माफिया। उसे दुनिया भर में ढूंढने की क्या जरूरत है, वो तो मुझे यही गोवा में मिल जाएगा। सर जो है ही नहीं उसके पीछे टाइम वेस्ट क्यों करना? अच्छा मुझे एक इंटरव्यू दोगे? वन डे गर्लफ्रेंड इंटरव्यू? वन डे गर्लफ्रेंड इंटरव्यू? वन डे गर्लफ्रेंड?
morta. Autos homo corta. Rockstar ni style con like corta. Autos homo corta. Autos homo corta. Autos homo corta. Rockstar ni style con like corta. मंगोलियन भाषा में कैसा हूं होता है, बैठो, सिट। कोई अगर मिलता है तो कैसे हो पूछते हैं, लेकिन मैंने तुमसे कुछ और पूछा है, कैसा हूं मैं। सेम, तुम्हारे वहम जैसा हूं मैं। मैं कौन हूं? फनी, तुम कौन हो पूछने की बजाय मैं कौन हूं पूछ रहे हो। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। टीवी पर मैंने अपना किलिंग एपिसोड देखा, मारते वक्त तुम्हारी आंखों में वह आक्रोश, थैंक गॉड मैं वहां सच में नहीं था इसलिए बच गया। अगर होता तो कितनी बुरी तरह से मारते, ये सोचकर भी डर लगता है। मेरे मॉम डैड कौन थे, उन्हें क्यों मारा तुमने? मैंने सोचा था ये पूछने से पहले ही तुम्हें मार दूंगा। बीच पर जीप से टक्कर, कार्निवल में बोट गिराना, ये सब एक्सीडेंट्स नहीं है। तुम्हें मारने के लिए मैंने प्लान किए थे, मिस हो गए, बचपन की तरह। इस बार बिना किसी प्लान के मेरे हाथों ही मरने चले आए। हेलो रॉकस्टार, यहाँ हो तुम और मैं तुम्हें पूरे मार्केट में ढूंढ रही थी। तुम्हारे ट्यून की लिरिक्स बदल दिए तो गुस्सा आया क्या? वाह, क्या टाइमिंग है तुम्हारी गर्लफ्रेंड की। जब तुम मुझे मार रहे थे तब आई थी, अब मैं तुम्हें मार रहा हूँ तो आई है। तुम्हारा मर्डर कर रहा हूं रिकॉर्ड तो नहीं कर रही? नो 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 नो, मैं जब भी कोई मर्डर करता हूं प्रूफ नहीं छोड़ता। सॉरी। ऐसे ही सीन अच्छा लगा तो रिपीट कर दिया। काम तो करेगा ना? चढ़ने के लिए एक घंटा लगेगा और उतरने के लिए पूरा एक दिन।
अरे भाई सुनामी आएगा तो भी नहीं उठेगा। गौतम मुझे छोड़ के मत जाओ ना।
सॉरी सर, वो बच के निकल गए। ओके, भागकर कहां जाएंगे? मैक्सिमम 10 आइलैंड्स हैं, जाकर ढूंढो। दोबारा अटैक किया था, हम बोट से भाग निकले और जान बचाते बचाते इमेजिन करने लगा है। ओके, यॉट पर आग लगाने वालों को किसने देखा? मैंने। उनसे हमें किसने बचाया? मैंने। बोट से हमें यहाँ कौन ले आया? तुम ले आए। क्या हुआ होगा बताऊं? यॉट पर किसी ने आग लगाई, ऐसी कल्पना की तुमने, मुझे पैराशूट से बांधकर हवा में छोड़ दिया। उसके बाद तुमने उसके साथ चेस की कल्पना की, फिर सोचा कि बोट पर भी आग लग गई और रोप काट दी। मिस्टर गौतम, किसी के अटैक करने से हम यहाँ नहीं आए हैं, तुम्हारी इमेजिनेशन की वजह से आए हैं। देखो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम जो कह रहे हो वो सच नहीं है और मैं भी सच नहीं हूँ। समीरा, पैसे मिले थे ये न्यूज़ टेलीकास्ट करने के? मेरा एक अतीत है और ये सच है, उसे कोई भी झुटला नहीं सकता, तुम भी नहीं। प्यार का नाटक करने वाली मेरी तकलीफ नहीं समझ सकती। काश तुम वाकई मेरा वहम होती। अचानक सामने आ गया था। मॉम डैड को किसी ने मार दिया ये कहकर रोता रहता था। इंक्वायरी की तो पता चला ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारे अनाथ आश्रम से भागने वाला वो पहला लड़का था, इसलिए सब कुछ याद है। लेकिन मुझे कोई प्रूफ नहीं मिला। और पता है मैंने ये सब क्यों किया? देखो समीरा, गौतम का ये मानना है कि उसका कोई अतीत है। वो सिर्फ उन तीन लोगों के बारे में ही कल्पना करता रहता है। उसके दिमाग में उन तीनों ने घर कर लिया, सो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। तो फिर अब हम क्या करें डॉक्टर? अगर कोई एक इंसान उसके सामने दो शख्सियत लेके आए और ये साबित कर दे कि उनमें से एक उसका वहम था, तो गौतम ठीक हो सकता है। बट दैट्स इम्पॉसिबल, टोटली इम्पॉसिबल। नो डॉक्टर, इट्स पॉसिबल। इसीलिए दो अलग लड़कियां होने का नाटक किया। हम दोनों के बीच जो भी हुआ वो सच है, ये सोचकर कितना खुश थी मैं। उस सच के बीच एक नाकामयाब प्यार भी है, ये सोचकर बहुत दुख हो रहा है। So, it's a recorded failure love story. शायद तुम्हारे बहम सारे झूठ होते तो ज्यादा अच्छा होता। I'm sorry, Gautam. Goodbye.
समीरा, खून बह रहा है। ये क्या हो गया? खून बह रहा है या नहीं? हाँ गौतम, लेकिन हुआ क्या? मतलब अटैक हुआ था। गौतम, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा तुम्हारा अतीत नहीं है, ये सब सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है, और जब तक तुम ये बात समझोगे नहीं तब तक ऐसे अटैक्स होते रहेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, जानती हो उन्हें किस पर अटैक करना था? तुम पर समीर। वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। ओह, तो इस बार तुमने ये सपना देखा है? कार एक्सीडेंट, बोट एक्सीडेंट, यॉट अटैक, ये तब हुआ जब तुम वहाँ थी। वो मेरा नहीं तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। मुझे क्यों मारने की कोशिश करेगा कोई? मेरा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है। मुझे मारना होता तो कब का मार दिया होता, मगर वो ऐसा नहीं चाहते। वो तुम्हें मारने आ रहे हैं समीरा, यहाँ रहना सेफ नहीं है, चलो। यू नो व्हाट, तुम्हारी प्रॉब्लम सच या झूठ की नहीं है, भरोसा ना कर पाने की है। अगर तुमने मुझे प्यार किया होता तो मैं जो कहती वो मानते। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करने लगा, ये सच है, मेरी बात पर यकीन करो। मैं यकीन करती हूँ गौतम, आई लव यू टू। टू मिनट्स, आई जस्ट चेंज माई ड्रेस एंड कम। टू मिनट्स, आई जस्ट चेंज। पता नहीं था तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, मुझे लगा वो तुम्हें मारने आए हैं। सॉरी समीरा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। समीरा, सॉरी कह रहा हूं ना। हैप्पी बर्थडे समीरा। प्लीज गौतम, मुझे बख्श दो और यहां से चले जाओ। तुम ठीक कह रही हो समीरा, तुम पर किसी ने हमला नहीं किया, सब मेरा वहम था। समीरा, मैं बदलूंगा। समीरा, समीरा, मुझे एक मौका दो। तुम बदलो या ना बदलो क्या फर्क पड़ता है, हमारे बीच क्या रिश्ता है? समीरा, आई लव यू। सच में अभी ये सच है या वहम तुम्हें पता है? समीरा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, तुम नहीं बदलोगे। रुक जाओ समीरा, क्या करूं जिससे तुम्हें भरोसा हो, कैसे यकीन दिलाऊं? फाइन, तुम्हारा अतीत झूठ है, तुम्हारे माँ बाप नहीं है, सब तुम्हारा वहम था, ये मानते हो?
मानता हूं समीरा, मेरा अतीत नहीं है, मॉम डैड नहीं है। अगर आज इस झूठ से बाहर नहीं निकल पाया तो कभी नहीं निकल पाऊंगा। मैंने सोचा मॉम डैड नहीं है तो किसी ने उन्हें मार दिया होगा। तुम्हें कुछ ना हो इस डर से तुम पर कोई हमला कर रहा है ये सोच बैठा। सब मेरा वहम है, सब मेरे दिमाग का एक खेल है। इस वक्त भी मेरा दिमाग कह रहा है तुम्हारी गर्दन पे किसी ने चाकू रखा है, पर देख रही हो मैंने रिएक्ट नहीं किया। कहा ना बदल जाऊंगा समीरा, तुम्हारे पीछे चार लोग नजर आ रहे हैं, मेरा दिमाग कह रहा है वो तुम्हें मार देंगे, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा। आओ समीरा। मुझे मार रहे हैं समीरा, पर मैं कुछ नहीं कर रहा।
कौन है तू? समीरा को क्यों मारना चाहता है? क्या दुश्मनी है उससे? बता, बता, बता। गौतम, छोड़ दो उसे। मैं जानती हूँ ये कौन है। क्या हुआ? क्या अर्जेंट बात करनी है तुम्हें? कोई तो है जो मुझे मारना चाहता है सर। मुझ पर अटैक्स हो रहे हैं। अरे शो? यस सर। क्या आपको याद है सर, 2 महीने पहले AG1 ग्रेन्स पर लगे आरोपों को सच साबित करने के लिए मैंने सबूत इकट्ठा करके एक प्रोग्राम बनाया था। एक्चुअली उन ग्रेन्स में हाइड्रोजन साइनाइड मिलाया गया था, ये प्रूव करने वाले मेरे एक दोस्त थे। वो एक गोवा बेस्ड NGO में एक्टिव मेंबर थे। जब मैंने गोवा में उन्हें फोन किया तो उन्होंने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। उसके बाद मुझे पता चला कि वो एक बोट एक्सीडेंट में मारे गए। लेकिन जिस दिन वो मारे गए उसी दिन उनका फोन आया था। उन्होंने बताया कि AG1 के चीफ ने उन्हें बुलाया था क्योंकि वो इस इश्यू पर डिस्कस करना चाहते थे। वो वहाँ जाकर उनसे मिलने वाले हैं, इस बात की गवाह सिर्फ मैं हूँ। जिस दिन उन्होंने मुझे फोन किया उसी दिन वो मारे गए, तो मुझे डाउट हुआ था, इसीलिए AG1 के चीफ के बारे में मैंने इंक्वायरी की। और ठीक उसी दिन के बाद से मुझ पर अटैक्स होने स्टार्ट हुए हैं। मतलब वो एक्सीडेंट नहीं था सर, इट वॉज अ प्री प्लान्ड मर्डर। अब उस मर्डर के बारे में मैं खुलासा ना कर दूं, इसलिए उनका कातिल मुझे भी मारना चाहता है। उसका नाम है एंटोनियो रोसारियस। ये उसकी फोटो है सर, हैव अ लुक। तुम्हारे साथ कोई आया है? गौतम आया है सर, लॉबी में मेरा वेट कर रहा है। तुमने ये बात गौतम को बताई है? नहीं सर, ये चैनल से जुड़ी बात है इसलिए मैंने पहले आपको बताना सही समझा। इसलिए मैंने उससे झूठ कहा कि ये ओल्ड सिटी कब्जा केस से रिलेटेड है और मुझ पर जो अटैक्स हो रहे हैं वो इसी की वजह से हो रहे हैं। ये तुमने अच्छा किया, गौतम ही नहीं किसी को भी ना पता चले। ये आप क्या कह रहे हैं सर? द वेरी सेम पर्सन, एंटोनियो रोसारियस, गोवा का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किलर। अब वो AG1 इंडिया का चीफ है, ग्रेन माफिया किंग। थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया था। अरमानी सूट, रेबान ग्लासेस, पोनीटेल, चेहरे पर निशान। फिर से वही वहम। अगर ये बात लीक हुई तो उसे डर है कि उसका पॉलिटिकल करियर खराब हो जाएगा। हमें अपना मुंह बंद रखने के लिए मुझे मिले हैं 50 करोड़ और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी। अगर इनकार किया तो तुम भी मरोगी और मैं भी। सेन्योरे सेन्योरिया, शॉक लगा। वहम में तुझे एडवांटेज मिलता था, हर बार तेरे हाथ में गन देखकर बोर हो गया। छोटा सा चेंज, कैसा लगा? बैठ जा, अब तेरे लिए कुर्सी तो नहीं लगा सकता, चल बैठ। वहम, तू वहम है ये मैं जानता हूं। समीरा ने कहा था, उसने प्रूव किया मेरा कोई अतीत नहीं, और अगर अतीत नहीं तो तू भी नहीं। जब मैं बात कर रहा हूं तो मुंह मत खोल। ये मेरा वहम है और इसमें तू बात नहीं करेगा, सिर्फ मेरी सुनेगा। 20 साल पहले गोवा में मैं और मेरे मॉम डैड एक बस में जा रहे थे, तब 3 विलन आए, उनमें से एक तू भी था। मेरे मॉम डैड को मार डाला पर मैं भाग निकला, और उसी दिन से तुझे मारने की कोशिश कर रहा हूं, और जब भी मैं कोशिश करता हूं तुम तीनों को मार देता हूं। यही हमारी कहानी है, रिवेंज स्टोरी। कैसी लगी? पर इन बातों में कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर की दी ये गोलियां मैंने खा ली तो तू गायब हो जाएगा, पर मैं सोच रहा हूं मैं ये गोली खाऊं उससे अच्छा तू ये गोली खा ले, मेरी रिवेंज स्टोरी को एक ट्विस्ट एंडिंग मिल जाएगी। क्या बोलता है? ऐसी सांसें क्यों ले रहा है बे? मैंने तुझे दिमाग में जिंदा रखा है ना, इसलिए ऐसी सांसें ले पा रहा है। चला, लास्ट विश, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है? एक मौका दे रहा हूं, मांग, चल बोल क्या कहना है। ये वहम नहीं, मैं सच में हूं।
यही मैं कहता हूं तो कोई मानता ही नहीं। चल कम से कम तूने तो ये बात मान ली। यह क्या हुआ? कैसी आवाज थी? मार दिया मैंने। मैंने उस पोनीटेल वाले को मार दिया। अब उसके बारे में नहीं सोचूंगा। इसने आवाज कैसे सुनी? क्या वो सच है समीरा? वो दिख रहा है तुम्हें? क्या वो वहां मरा पड़ा है? समीरा जवाब दो। ये असली है ना समीरा? अगर ये असली है तो मेरा अतीत भी असली है, मेरे मॉम डैड असली है समीरा। अगर ये असली है तो बाकी दो लोग भी हैं समीरा, ये जानता है समीरा। ए, ए, यार उठना उठना उठना। ए, 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 मैं कौन हूँ? मेरे मॉम डैड कौन है? क्यों मारा था उन्हें? ए, 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 बता बता। ए, ए, बोल बोल ना। ए, ए, उठना उठना। इसने कहा था ये सच है समीरा, मैंने इसकी बात नहीं मानी। अब ये मर गया समीरा। उठना उठना। ये मर गया समीरा, बिना कुछ बोले मर गया। ये मेरा वहम नहीं था, मैं इससे सच्चाई जान सकता था, लेकिन मैंने इसे मार दिया। अब मेरे अतीत का राज कौन खोलेगा? ढूंढ लूंगा तो अतीत का पर्दाफाश हो जाएगा। और ये कोइंसिडेंस हुआ तो? आई मीन वो लोग तो मेरी जान के पीछे पड़े थे, तो अब मे बी तुम्हारे अतीत से इसका कोई संबंध ना। उन तीनों ने मेरे मॉम डैड को मारा था, ये उन तीनों में से एक था, मुझे यकीन है। तुम्हें यकीन कैसे है? हमारे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है। गोवा जाने से एक रात पहले मेरे घर पर अटैक हुआ था, याद है? लेकिन वो तुम्हारा वहम था ना? अब से मेरी जिंदगी में कोई झूठ नहीं है, सब सच है। वो अटैक हुआ था, उस रात मैंने उनकी फोटोज ली थी। क्लैरिटी नहीं है, पहचान पाना मुश्किल होगा। पीछे जाओ, मोबाइल फोन पर जूम करो, स्क्रीन पर जूम करो। मे बी एक्सपोजर प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट जूम करो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। टोटल कितने फोटोज हैं? उस मोबाइल के कितने फोटोज लिए हैं? मेबी 12। सेव करो, सब एक के बाद एक प्ले करो। ये
फिर से प्ले करो। 9 1 8 5 4 6 4 8 5 7 9 1 8 5 4 6 4 8 5 7। ए, जरा फोन तो उठाओ। हेलो हेलो, कौन हो भाई? वही तो मैं भी पूछ रहा हूं कि मैं कौन हूं। गौतम, मेरे मॉम डैड कौन थे? क्यों मारा था उन्हें? बाकी दो लोगों से क्या रिश्ता है तुम्हारा? कौन था वो तीसरा आदमी? गौतम, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे क्यों मारना चाहते हो? सर, प्लीज सर। क्यों मारना चाहते हो मुझे? अगर आपको मारना ही होता तो आपके घर की बेल क्यों बजाते? गौतम सर, जरा आप भी सोचिए, हम आपसे मिलने आए थे। अगर आपको मारना ही होता तो निहत्ते नहीं आते। हाँ गौतम, तुमसे बात करने के लिए मैंने ही नहीं भेजा था। ये लोग गुंडे नहीं है, मेरी कंपनी में काम करने वाले कैब ड्राइवर्स हैं। टीवी पर तुम्हारे अतीत के बारे में देखने के बाद मुझे लगा तुम मुझे भी गुनहगार समझ रहे होगे, इसलिए तुम्हें सच बताने के लिए मैंने ही इन्हें भेजा था। अगर बताना ही था तो तुम खुद क्यों नहीं आए? मैं जानता था तुम इस तरह से रिएक्ट करोगे, इसलिए नहीं आया। हालांकि वहाँ कोई था ही नहीं, तुमने वहम में उन्हें मार डाला। अगर मैं वहाँ होता तो मुझे भी मार डालते, ये सोचकर डर गया था। लेकिन हिम्मत करके अगले दिन मैं आया। स्टॉप! लेकिन वहम समझकर तुमने मुझे अनदेखा कर दिया। गौतम, रुको! बीस साल पहले गौतम, मैं कैब ड्राइवर था। लंदन। ओह लंदन, लंदन मेरा सपना है सर। लंदन में सारे कैब ड्राइवर्स अपने इंडियन ही है ना सर? मैं भी वीजा के लिए ट्राई कर रहा हूँ, आप मेरी हेल्प करेंगे तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। ओके ओके, देखते हैं, फॉलो द बस। ओके सर। सर, आपका स्टॉप नहीं है अभी, आपका स्टॉप आगे है, आप बैठे रहो। ठीक है। मैं टैक्सी में ही आपका इंतजार करता हूँ सर। छोटा बच्चा है सर, छोड़ दीजिए सर।
जा। किसकी बात सुन रहे हैं साहब? इसके दिमाग का पेज ढीला है, बहुत ऊटपटांग बातें करता है ये। माँ बाप नहीं है इसके, लेकिन सोचता है कि वो जिंदा है। ड्राइवर कंडक्टर समझदार निकले, पूछने पर कि पैसा चाहिए या जान, कहा दोनों चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? वीजा चाहिए क्यों? सुन रहे साहब, इसके दिमाग का पेज ढीला है, कुछ भी बोलता है। यहाँ मम्मी बैठी थी, यहाँ पापा बैठे थे। तुम झूठ बोल रहे हो ये बताने के लिए मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट्स है। तुम्हारे पास क्या प्रूफ? गौतम, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे एक बाप ने मुझ पर भरोसा करके मुझे दिया। वो इस अमानत को अपने बेटे को सौंपना चाहते थे, इसलिए ये मैं तुम्हें दे रहा हूं बेटा। ये मेरा फर्ज था, अब मेरा मन हल्का हुआ। It's just a key. इस पर कोई भी क्लू नहीं है। ये एक ब्रिटिश कॉइन है, इस पर 1992 लिखा है, और वो एक स्क्रैचेस से भरा रूबिक्स क्यूब है। बचपन में मैं इससे खेलता था, शायद ये बस डैड की एक याद है और कुछ नहीं। माइक। हेलो गौतम सर, वेयर आर यू? कहां पर हैं आप? आपको कितनी बार कांटेक्ट करने की कोशिश की? आर यू ओके? मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। मैं लंदन आ रहा हूं। ऐसे अचानक क्यों? अभी तो कोई कॉन्सर्ट भी नहीं है ना? वहां पहुंचकर बताऊंगा। ओके गौतम सर। ये माइकल कौन है? मेरा लंदन का कॉन्सर्ट मैनेजर, लंदन के सारे शोज वही हैंडल करता है। व्हाट? तुम्हारे डैड के सामान से लंदन का एक कॉइन निकला, मतलब लंदन चले जाओगे? मैं अपने अतीत की किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकता। कैब ड्राइवर ने कहा था वो तीसरा आदमी लंदन से आया था, वो अब भी वही होगा। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं समीरा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। वेट वेट वेट, तुम नहीं चाहते कि मुझ पर कोई मुसीबत आए, इसलिए छोड़कर जा रहे हो ना? ओके, तुम्हारी याद आएगी तो उस वक्त के लिए एक किस ले सकती हूँ। बुरा ना मानो तो एक हग कर सकती हूँ। एक और बार हग करना चाहती हूँ। थैंक यू। ये क्या कर रही हो तुम?
तुमसे बात कर रही हूँ और क्या। तुम तो मेरे होने की कल्पना कर लेते हो, पर मैंने आज तक तुम्हारी कल्पना नहीं की। अब से तुम्हारे बिना अकेले जीना होगा ना, इसलिए तुम हो ऐसी कल्पना करने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। सॉरी गौतम सर, मैं एयरपोर्ट नहीं आ पाया, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। हाँ लेकिन कैब भिजवाई है, इस बार आपका स्टे होटल रिंग्स में किया। गौतम सर, ड्राइवर का नाम है गुलाब सिंह। मिस्टर गुलाब सिंह। मॉर्निंग मैडम जी। गौतम का इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। प्लकार्ड पर गौतम का नाम होना चाहिए, आपका नाम क्यों है? मैडम गौतम सर रॉक स्टार है, गौतम सर को तो कोई भी पहचान सकता है। हाँ। पर गौतम सर मुझे तो नहीं पहचान सकते ना, इसलिए प्लकार्ड में मैंने अपना ही नाम लिख दिया। मैडम गौतम सर। ओ गौतम सर, डूडू, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले सर, लाभ सिंह कैब ड्राइवर, ओए माइकल ने बताया होगा आपको सर। ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए तुड़क 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 तुड़क। गौतम बॉस, आप भी हो ना? डूडू, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। आपका गाना सुनकर पागल हो जाता हूँ मैं। आपके ऑटोग्राफ के लिए कब से ट्राई कर रहा हूँ। हैदराबाद भी आया था कॉन्सर्ट पर ऑटोग्राफ के लिए। पिछली बार यूके में जो कॉन्सर्ट हुआ था ना, उस कॉन्सर्ट में भी मैं मौजूद था बॉस। आपसे मिलना ही मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था बॉस। बॉस 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 बॉस, आई हैव टू कैप्चर दिस मोमेंट बॉस, वन पिक बॉस, प्लीज डोंट माइंड। थैंक यू बॉस। बॉस आप कहाँ जा रहे हैं? आपको मैं अपनी कार से ड्रॉप कर देता हूँ, प्लीज बॉस मेरे साथ चलिए। प्लीज ना मत कीजिएगा, मुझे ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा। प्लीज कम ऑन। लिफ्ट में तुम्हारा बैग है? हाँ मेरा। ओए हाँ तुम्हारा, जल्दी जाओ। हे दैट्स माय बैग। ओए फोटो ले जल्दी बॉस। यहाँ गन्स कहाँ मिलेंगे? गन्स? ओए समझ गया डूडू, इस बार बुलेट साउंड ही आपकी नई धुन है ना। ओए तुड़क तुड़क तू, तुड़क तुड़क तू, तारा रा रा रा, तुड़क तुड़क तू, तारा रा रा रा। डूडू आप रॉक स्टार है तो मैं टॉक स्टार हूँ, टॉक मतलब बोलने वाला। ओए तुड़क तुड़क तू, तुड़क तुड़क तू, तारा। ये कंफर्म हो गया कि तीसरा यहीं पर है। इतने दिनों से मैं उसे ढूंढ रहा था, अब उसे मेरी तलाश है। दोनों एक ही रास्ते पर हैं, आमने सामने। अब मेरी मंजिल दूर नहीं। टूटू, मैंने माइकल को फोन किया तो स्विच ऑफ आ रहा है, दोनों नंबर काम नहीं कर रहे। माइकल से तुम्हारी क्या डीलिंग है? मेरी कोई डीलिंग नहीं है डूडू, वो मेरा रेगुलर कस्टमर है, हमेशा मुझसे कैब लेता है। मुझे पता माइकल कहाँ मिलेगा।
मैंने उसका फ्लैट देखा है डूडू, पर पता नहीं वो वहाँ मिलेगा कि नहीं। मतलब माइकल भी इस अटैक में शामिल है? सिर्फ माइकल ही जानता था कि मैं लंदन आ रहा हूँ। वो एयरपोर्ट भी नहीं आया, अटैक होते ही फोन ऑफ कर दिया। माइकल का उस तीसरे से जरूर कोई कनेक्शन है। सबसे पहले हमें उसे ढूंढना होगा। कहाँ मिलेगा ये तो पता नहीं डूडू, लेकिन कहाँ आ सकता ये जानता हूँ।
गौतम? प्यार से बड़ा डर होता है समीरा, और वो डर ही मुझे बचपन से भगा रहा है। वो लोग मुझे कब मार डालेंगे इस डर से उन्हें याद रखा है, लेकिन अपने मॉम डैड याद नहीं है मुझे। मां की ममता याद है, लेकिन उनका चेहरा नहीं। बाप का प्यार याद है, लेकिन वो दिखते कैसे थे ये याद नहीं। अब तो वो मेरी यादों में भी नहीं बचे हैं समीरा। इंतजार करता रहा, बचपन से इंतजार करता रहा कि कब बड़ा होकर उन तीनों को मार सकूं। मार भी दिया, लेकिन सिर्फ अपने वहम में। वहम नहीं था डूडू, तुम उन्हें सच में मारोगे। तुम्हारे माँ बाप कौन थे जान जाओगे। डूडू, जिंदा माँ बाप सामने आ जाए ना तो देखकर भी अनदेखा कर देते आजकल के बच्चे, और तुम अपने गुजरे हुए माँ बाप के लिए इतना परेशान हो रहे हो। भाई गुरु की कसम, तुम्हें अपने माँ बाप की पहचान मिलेगी और उनको मारने वालों को तुम पक्का पकड़ोगे। गुलाब सिंह जो हाथ में आया उसे नहीं पकड़ पाया, तो उन्हें कैसे पकड़ूंगा जिनका अता पता नहीं जानता। कैसे सुलझाऊं ये पहेली। गौतम, मरते समय आखिरी पलों में भी तुम्हारे डैड इसे तुम तक पहुंचाना चाहते थे। इस क्यूब पर लगे स्क्रैचेस में कोई क्लू तो नहीं? It's just a cube, समीरा। डैड ने ये खेलना सिखाया था, इससे क्या हासिल होगा। इस क्यूब पर ये निशान, डैड इसे एक खास तरीके से सुलझाते थे। क्या था वो तरीका? There you go, sir.
तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली क्या? नहीं। और उस अकाउंट के बारे में कुछ पता चला? वो नंबर बेस्ड अकाउंट है, पर्सनल डिटेल्स नहीं है। और लॉकर में कुछ था? उसके अंदर बस एक राइस ग्रेन था। राइस? राइस ग्रेन? तो वो तुम्हारे डैड ने यहाँ क्यों छुपाया होगा? जरूर उसका कोई इम्पोर्टेंस होगा। गुलाब सिंह का पेट्रोल भरवाने गया है। गंदो गन, वो लोग हमला करने वाले हैं। गंदो, the
tried to kill us. Samira! Samira! She has to be in one of these cars. Samira! Samira! I took the wrong car. Samira! 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 Oye, kya hua, Dudu? Samira gayab ho gayi hai. Samira! Yo, Samira kaun hai, Dudu? समझा, हमेशा समीरा समीरा पुकारते रहते थे, तुम खुद से बातें करते रहते हो, ऐसी कोई लड़की नहीं है डुडू। Do you know his girlfriend? No sir, इनकी कोई girlfriend नहीं है। What? No girlfriend sir, but होने की कल्पना कर लेते हैं। What? Self talking sir always, calling calling समीरा, but there is no समीरा। झूठ मत बोलो। सच में डुडू, तुम्हें disorder problem है ना? इसलिए तुम अपने आप से बातें करते रहते हो, तो मैंने ध्यान देना छोड़ दिया डूडू। एयरपोर्ट पर तुम अकेले ही आए थे, समीरा नाम की लड़की लंदन ही नहीं आई। समीरा नहीं आई थी? तुम समीरा को नहीं जानते? हम पर यहाँ हमला हुआ था, वो समीरा को लेकर। हमला हुआ था? वो यहाँ हमला जैसा तो लग ही नहीं रहा है, सब नॉर्मल है। Excuse me, officer. I'm Naveen. This is my card. Do you know what you have done, sir? The guy you have arrested, Mr. Gautam, do you have any idea that who is he? What's the problem? He's a very famous artist back in India. People just love him. He's a rock star. If the Indians in the UK find out that you have arrested him, they're all going to come down to your station right now. And believe me, sir, you wouldn't like that. So please let him go. I'm sorry, sir. He seems to have some psychological problem. Psychological problems? What are you talking about? He was telling us that he was attacked and that his girlfriend is missing. And she didn't even appear to enter the UK. What? Is this some kind of big joke? She did come to UK. I saw her at the airport. This is a big misunderstanding. I have a proof. Here's the picture of her at the airport. Have a look. Now please let him go, sir. It means that he intentionally hit and damaged our vehicles. Sorry, sir. There's no way we can release him. Officer, you are making a big mistake. No, Inspector. There are many ways you can release him. If we discuss the situation where the system sleeps and the security cameras can't see us. Meri car wahan hai, boss. Let's go. Boss, cool, boss. आप कोई टेंशन मत लो, आपकी गर्लफ्रेंड मिलेगी, मैं हेल्प करूंगा बॉस, मेरे साथ आइए। रुको गौतम, कम विद मी, यहाँ मेरे बहुत कनेक्शंस हैं, आई कैन हेल्प यू। बॉस बॉस, आई एम योर बिगेस्ट फैन बॉस, प्लीज कम ऑन, मुझे आपकी हेल्प करने का एक मौका दे दीजिए। नो गौतम, देखा मैंने तुम्हें कैसे बाहर निकलवाया, इन दिस सिटी आई कैन डू एनीथिंग, जस्ट कम विद मी। बॉस बॉस बॉस, आई डोंट वांट टू मिस दिस चांस, प्लीज आइए ना बॉस। अपना फोन दो। श्योर। हाय डूडू, हाउ आर यू? समीरा सेफ है ना? सुपर सेफ, मेरे ही सामने है। मैडम जी आप फोटो ले रही हैं। डूडू, हमारा प्लान वर्कआउट हुआ क्या? वो आया क्या? एक नहीं, दो दो आए। मतलब समीरा? मैंने ही उसे गायब कर दिया। फास्ट फास्ट। कौन हो तुम लोग? मेरी हर चाल की खबर कैसे मिल जाती है तुम्हें? एए! एए! तू मुझे नहीं मार सकता क्योंकि ये चाहता है कि मैं जिंदा रहूं। ये बिल्कुल सही कह रहा है। ड्रॉप योर गन। नो। बता। नो। कौन है तू? किसने भेजा तुझे? बॉस, कम विद मी। बॉस, वो खुद क्यों नहीं आया? मैं तुम्हें मारूंगा। गौतम, चलो यहां से। वो कौन है जिसके नाम से मैं आज तक अनजान? कार में बैठो गौतम। एक सेकंड रुक जा। कौन है तू? बॉस। क्या नाम है उसका? बता, किसने भेजा तुझे? मैं बताता हूँ बॉस। ए, ए, मत बता, मत बता। मुंह खोलेगा तो मारा जाएगा।
गेट डाउन बॉस, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब यहां मिल जाएंगे। मेरे माँ बाप को मारने वाले उन तीनों को मैंने मार दिया। मैंने कुछ नहीं किया। रॉकस्टार, पूरी दुनिया आपको चेज कर रही है और आप मुझे चेज कर रहे हैं। मेरा ऑटोग्राफ क्या बात है सर? सर क्यों मारा मेरे मॉम डैड को 20 साल पहले? किसे मारा सर? गोवा में, तूने और उन बाकी दोनों ने। मैंने किसे मारा बता? क्या बॉस, कुछ याद आया? तुम्हारे वहम के तीन मर्डर में से एक मर्डर सच था। मार डाला बॉस, सच में मार डाला। तुम्हें पता है तुमने किसको मारा था? मेरे डैड को। मैं उन्हें बहुत बहुत प्यार करता था। मैं उनको, आपको भी बहुत पसंद करता था। दीवाना था मैं आपका। ये देखो बॉस, देखो, मेरे डैड के कातिल होने के बावजूद तुम्हारा नाम नहीं मिटा पा रहा। तुमने मेरे डैड को मार डाला, इसलिए बॉस मैं तुम्हें मार डालना चाहता था। तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे कॉन्सर्ट पर भी आया था, तुम्हें वहीं मार देना चाहता था, लेकिन तुम बच गए। ढूंढता रहा तुम्हें, तब पता चला कि तुम यूके आ रहे हो। फॉलो किया तुम्हें, एयरपोर्ट के बाहर आने के बाद तुम्हें ट्रक से मारने का प्लान भी किया, लेकिन तुम फिर से बच गए। पुलिस स्टेशन आया था ताकि तुम्हें बाहर निकाल सकूं और फिर तुम्हें मार सकूं। तुम्हें मारे बिना मुझे सुकून नहीं मिलेगा बॉस। चल मार दे, मार मुझे बॉस। माँ बाप से बिछड़ने का दुख जानता हूं। जिन जिन को मारना चाहता था उन्हें मार दिया। मेरा बदला पूरा हो गया, अब तू अपना बदला ले ले। लेकिन गोली चलाने से पहले बता, माइकल को क्यों मारा? माइकल कौन बॉस? मतलब माइकल को तूने नहीं मारा? मैं क्यों मारूंगा उसे? मतलब बैंक में तू नहीं आया था? बैंक? तो वो ब्रीफकेस तुझे नहीं चाहिए। फोन मुझे दे। बीस साल पहले तुम्हारे डैड गोवा में क्या करते थे? डैड टैक्सी ड्राइवर थे। कहाँ जाएंगे सर? लंदन। ओ लंदन। ओ लंदन, लंदन मेरा ड्रीम है सर। देखते हैं।
मारो तो बस। ठीक है सर, मार। चाहिए ना, वीजा चाहिए, राइट? हाँ, इन भाई साहब को वीजा चाहिए। तुम्हारे डैड को मैंने मारा, ये तुमसे किसने कहा? उस दिन कॉन्सर्ट में मेरे डैड अपने एक ओल्ड फ्रेंड से मिले थे। कैसे हो? आप आए, बहुत खुशी हुई सर। आई जब तुम मेरे डैड का पीछा कर रहे थे तो वो भी उसी कार में थे। टैक्सी का नया बिजनेस शुरू किया है। तुम्हें मेरे डैड से झगड़ा करते हुए उन्होंने देखा था। उन्होंने ही कहा कि मेरे डैड को तुमने मारा। तुम्हारे डैड को मैंने नहीं मारा, उसी ओल्ड फ्रेंड ने मारा है। These guys are fools. They don't and they will never understand science. कह रहे हैं सिंटो वन के ग्रेन्स की वजह से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, जमीन बंजर हो रही है, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग, वातावरण गर्म हो रहा है, हरी भरी जमीन अब सूख रही है, अब तो कई देशों में फल पूरी तरह से पक भी नहीं पाते। पूरी दुनिया उससे बड़े फूड क्राइसिस से गुजर रही है। बट डियर फ्रेंड्स, सिंटो वन हैज गॉट वन सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स। Golden Rise with C4 mechanism. चाहे किसी भी क्लाइमेट में हो, उसे बंजर जमीन पर भी उगाया जा सकता है। प्रकृति को बदलने वाला ग्रेन। Hey, good ball. और इस ग्रेन को सिंटो वन ने इन्वेंट किया है। सिंटो वन विल बिकम द फूड बाउल ऑफ द वर्ल्ड। अब से विकसित देश हो या भूख से पीड़ित देश हो, सिंटो वन के सामने खड़े होकर हाथ फैलाकर मांगना ही होगा उन्हें। एंड नाउ सिंटो वन इज गॉड। शायद गौतम को सच्चाई पता चल गई सर। देयर कम्स माय गोल्डन राइस। ये मुझे मार सकता है ना मैं इसे मार सकता हूं, क्योंकि मेरा भविष्य इसके पास है और इसका अतीत मेरे पास। वी नीड ईच अदर। तुम्हारे डैड और मैं एक ही कंपनी में को साइंटिस्ट थे, उससे भी ज्यादा एक अच्छे दोस्त थे। तुम्हारे डैड हमेशा गरीबों और किसानों की भूख की चिंता किया करते थे, उनके लिए हमेशा कुछ करना चाहते थे।
उसके बाद मैंने ये सिंटो वन हाइब्रिड सीड्स कंपनी स्टार्ट की, लेकिन तुम्हारे डैड ने ट्रेडिशनल तरीके से गोल्डन राइस तैयार करने के लिए रिसर्च शुरू कर दिया। मैंने कहा यह इम्पॉसिबल है, लेकिन अचानक एक दिन उसकी क्वालिटी टेस्ट करने के लिए वो मेरे लैब में आए। रिजल्ट देख करके मैं चौंक गया। उसने गोल्डन राइस इन्वेंट कर लिया था, जिसके लिए मैं करोड़ों खर्च करके रिसर्च कर रहा था। दिन रात मैंने एक कर दिया था, वो चीज तुम्हारे डैड के हाथ में थी। मैंने कहा अपनी इन्वेंशन मुझे बेच दो, लेकिन उसने कहा वो फ्री में बांट दे। प्रेजेंटेशन के लिए गोवा इंटरनेशनल राइस कन्वेंशन के लिए गए, तुम्हारे डैड को मारने से वो सीड मेरी हो जाती। एंटनी के साथ मिलकर तुम्हारे मॉम डैड को मार डाला। उसके बाद मुझे पता चला तुम्हारे डैड ने मुझे जो ग्रेन दिए थे वो किसी काम के नहीं थे। उसने अपने इन्वेंट किए हुए ग्रेन को कहीं और छुपा कर रखा था, मतलब ग्रेन तक पहुंचने का रास्ता रूबिक्स क्यूब में छुपा कर रखा हुआ है। ये बात कैब ड्राइवर से मैंने पता लगाई। उस क्यूब से मैंने क्लू निकालने की बहुत कोशिश की, फिर सोचा वो क्लू तुम्हें पता होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इंडिया आया था। But you were too clever. मुझसे मिलते ही वहां से भाग निकले। Anyway, 20 साल पहले बाप जिस रहस्य को लाने वाला था, अब बेटा लेकर आया है। जिस गोली का शिकार मुझे होना चाहिए था, उसने माइकल की जान ली। तभी मुझे शक हुआ मुझे मारने वाला पहले मुझसे कुछ चाहता है। तब मुझे क्लू मिला और मैं बैंक चला गया। बैंक में मुझे डैड का ब्रीफ केस मिला, लेकिन ब्रीफ केस में कुछ नहीं था। What nonsense are you talking? ब्रीफ केस खाली कैसे हो सकता है? उसमें ग्रेन जरूर होगी। तुम्हारी कहानी में डैड के डिटेल्स नहीं तो ब्रीफ केस में ग्रेन नहीं। आई अंडरस्टैंड। तुम अपने पेरेंट्स के बारे में जानने को कितने उतावले हो मैं समझ सकता हूं। तुम्हारे डैड का नाम था रघुराम। ये ओरिजिनल गोल्डन राइस नहीं है। मेरे डैड का नाम भी रघुराम नहीं था। ये तुम कैसे कह सकते हो? जब तक मैं तुम्हारे मॉम डैड के बारे में सच नहीं बताता, तब तक तुम मुझे मार नहीं सकते। मतलब ये फाइल असली नहीं है? ओके। ग्रेन्स कहाँ, ये बताओ। तुम्हारे मॉम डैड के बारे में मैं सब बता दूंगा। आई टेल ऑल द ट्रूथ अबाउट योर पेरेंट्स, बट वेयर इज द गोल्डन राइस? वेयर इज इट? एक बात मेरी समझ में आ गई है। मैं ग्रेन दूंगा तो तुम मॉम डैड के बारे में बताओगे, उनके बारे में नहीं बताओगे तो मैं ग्रेन नहीं दूंगा। लेकिन हम दोनों के बीच एक और सच्चाई है। मेरे ग्रेन देते ही तुम मुझे मार डालोगे। तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नेवर एंडिंग प्रोसेस। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, दोनों में से किसी एक का कॉम्प्रोमाइज करना। तो वो कॉम्प्रोमाइज मैं करता हूं। मुझे मेरा अतीत नहीं चाहिए, यानी मैं तुम्हें मार डालूंगा। यू आर लाइंग। गौतम, तुम्हारे मॉम डैड के बारे में जानने वाला सिर्फ मैं ही हूं। मुझे मार डालोगे तो तुम्हारा अतीत हमेशा के लिए अंधेरे में रह जाएगा। तुम्हें नहीं मारूंगा तो डैड की इच्छा अधूरी रह जाएगी। अब तक मॉम डैड कौन है ये जानना मेरी जिंदगी का मकसद था, लेकिन आज से उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना मेरा मकसद है। रुक जाओ। आई विल टेल यू द ट्रूथ। तुम्हारे डैड का नाम कृष्णमूर्ति है, वेलफेयर सीड्स में साइंटिस्ट। रविंद्र, तुम्हारे डैड का नाम रविंद्र है, नेशनल सीड्स में काम करते थे। प्लीज बिलीव मी।
कृष्णमूर्ति नहीं, रविंद्र, रविंद्र। जितनी कहानियां सुनाओगे सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारी हर कहानी में मेरे मॉम डैड शामिल है, पर हर कहानी में तुमने उन्हें मार दिया, इसलिए इस कहानी के अंत में मैं तुम्हें मारूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते, अगर मारना होता तो यहां वहां नहीं, यहां सीने में गोली मारते, यहां। तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप चाहिए, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम्हें मारना मेरे लिए नई बात नहीं है, पहले कई बार मार चुका हूं। तुम मर जाओगे तो क्या होगा ये भी जानता हूं, लेकिन मरने का दर्द तुम नहीं जानते। हाँ यार, सही कहा तूने, तुझे नहीं मार सकता, मुझे मेरे मॉम डैड चाहिए। मुझे जानना है वो कौन थे। अभी अभी तो मैंने मां के हाथों से खाया था, पापा की गोद में बैठा था। कहां चले गए अचानक वो लोग? सबने कहा वहम है। मैं रोया और आज तक रो ही रहा हूं। बोलने यार, कौन थे वो दोनों? मुझे बताना वो कैसे दिखते थे। मॉम खूबसूरत थी ना, और डैड कैसे दिखते थे? मेरे जैसे थे ना, तूने देखा था ना? बताना, कुछ तो बताना यार। ओके ओके, बताता। पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ, हॉस्पिटल, मेरा बचना जरूरी है। अगर मर गया तो तुम ऐसे ही हमेशा रोते रहोगे। I will tell every damn thing. Where is golden rice? Where is it? I'm sorry for everything, boss. You're the one. You're always one for me. सॉरी टूडू, मुझे एक ही दुख है, तुम्हारे मॉम डैड कौन थे जाने बिना ही तुम वापस जा रहे हो। वो कौन थे पता चल जाता तो अच्छा होता। सॉरी टूडू। कार रोको। Thank you.
सॉरी बेटा, थोड़ा लेट हो गई। अकेले डर गए थे। कोई बात नहीं, अब मामा आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। देखो मैं तुम्हें एक गाना सिखाती हूँ, अब से तुम अकेले भी घर आ सकते हो, ठीक है?
We are civilized. We are modernized. We are globalized. Civilization ka sabse bada failure, logon ka bhook se marna. Every 3.5 seconds a human being is dying of hunger. Unki ichcha thi ki koi insaan bhook se na mare. He was not a farmer. He was not a biologist. He was not a scientist. कोई भूख से ना मरे इस कोशिश ने उन्हें बायोलॉजिस्ट बनाया, फार्मर बनाया, एक साइंटिस्ट बनाया. हर क्लाइमेट में उग सके ऐसा ग्रेन बनाने के लिए उन्होंने लगातार कोशिश की और उसी कोशिश में अपनी जान भी गंवा दी. पर उन्होंने वो कर दिखाया. द गोल्डन राइस, अ सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन. आज के बाद कोई इंसान भूख से नहीं मरेगा. आज उनका सपना सच हो गया. His name is Chandrasekhar. He is my father.